अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइजिंग लद्दाख। मैं इस समय मौजूद हूँ जीरो पॉइंट पे, जहाँ पर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज खान साहब और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी कारगिल भी मौजूद है, और साथ ही साथ जो है जो हमारे विजेक हैं, प्रोजेक्ट विजेक के ऑफिशियल्स भी साथ ही साथ यहाँ मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर बातचीत यहाँ पर कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ प्रोजेक्ट विजय के जो ऑफिशियल हैं उनकी भी बातचीत हो रही है, और साथ ही साथ जो हमारी मीनामरक की जो टीम है, जो पुलिस डिपार्टमेंट की जो टीम यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ भी बातचीत चल रही है कि किस तरह से जो है आने वाले दिनों में रोड को खोला जाएगा आमदरफ के लिए। तो इन पूरी बातों पर गौर किया जा रहा है, और जो प्रोजेक्ट विजेक है वो कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन से इन बातों पर, इन पूरे मामला पर बात कर रहे हैं कि किस तरह जो है रोड को खोला जाएगा। जो बेकन है और जो प्रोजेक्ट विजेक है, दोनों ने अपना काम कम भरपूर खत्म किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोड है जिसको एक्सटेंड करना है, जिसको पूरी तरह से गाड़ियों को आमदरफ के लिए छोड़ने के लिए, और सीसी साहब, डीसी साहब और एसपी साहब का आने का मतलब भी यही है कि किस तरह से गाड़ियों को छोड़ा जाएगा, एक टाइमिंग दिया जाएगा लोगों को। लेकिन ये गलत है कि आप सही से बिना इंफॉर्मेशन के आप लोगों को किसी की बातों में यकीन करना नहीं चाहिए। आप ऑफिशियल नोट पढ़ें पहले और एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करें। अक्सर यही हो जाता है कि गाड़ियां जितनी हो सके, ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो इन इसी उम्मीद में आ जाती है कि भाई रोड खोला गया है, लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऑलरेडी जो है स्लाइडिंग एरिया जो है काफी बचा है, जहां अभी पूरी तरह से स्लाइडिंग आई नहीं है। तो आप इन चीजों का हमेशा यकीन रखें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राइजिंग लद्दाख। इस समय मैं मौजूद हूँ जीरो पॉइंट के पास, जहाँ पर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन फिरोज खान साहब और डिप्टी कमिश्नर कारगिल और एसएसपी कारगिल भी यहाँ पर मौजूद है, और इसके साथ साथ जो विजेक है इनके ऑफिशियल भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर अभी यहाँ से आगे जाके पूरा रोड का जो हाल है वो देख के आएंगे कि क्या हालात यहाँ पर, बेकन ने किस तरह से रोड को जो है बेकन ने साफ किया है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये एक जायजा लिया जाएगा, एक बातचीत होगी प्रोजेक्ट विजय के साथ और बेकन के साथ भी कि क्या टाइमिंग रहेगी यहाँ से गाड़ियों को छोड़ने के लिए, और क्या किस तरह से जो है ये इन पूरे मामला पर बातचीत चल रही है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ जीरो पॉइंट से। देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि कनेक्ट बेशक हुआ है, अभी इस वक्त तो हम आपका ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट के आसपास खड़े हैं, लेकिन हम इससे आगे भी गए, ऑलमोस्ट इंडिया गेट तक भी। लेकिन इतना मैं पहले कहना चाहूंगा कि जो डिस्पाइट हैवी स्नोफॉल जो क्लियरेंस का काम हुआ है दोनों साइड से, चाहे वो बेकन के साइड से हो चाहे विजेक के साइड से, बहुत अच्छा इन्होंने क्लियरेंस जो है बहुत अच्छा किया है। लेकिन अभी चूंकि अभी आपका एक तो है कि वाइडनिंग का काम करना बाकी है आपका, वो काफी नेरो है। सेकेंडली, अभी बहुत सी जगह जो हमारे एवलांच जोन है, एवलांच आना बाकी है, तो उसका भी खतरा भी है कि किसी भी वक्त एवलांच आ सकता है। तो अभी जहां तक मूवमेंट का सवाल है, ये जब तक ना बेकन और विजेक से पूरा असेसमेंट लेके हमारी दोनों एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन, कारगिल पुलिस, गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन, गांधरबल पुलिस, सारा जो है बेकन और विजेक से उनका असेसमेंट लेके एक डिसीजन जो है वो लिया जाएगा आपका। बाकी हमारी कोशिश, हमने पहले भी ये कहा है कि चूंकि
हमारा मुकद्दस महीना रमजान का आ रहा है, तो उसके लिए बेशक लोगों को अभी हमारे मार्केट में इतनी शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि रमजान से पहले कुछ फ्रेश जो चीजें हैं हमारा, जैसे सब्जी हो, मटन हो, चिकन हो, वो मार्केट में पहुंच जाए। उसके लिए हमारी दोनों एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर बात करेगी और हो सके तो रमजान से पहले वो चीजें मार्केट में आ जाएगी। बाकी पैसेंजर मूवमेंट का जो है वो काफी केयरफुल अभी रहना पड़ेगा, क्योंकि एवलांच, पहले मैंने कहा कि एवलांच अभी आना बाकी है, उसके लिए प्रॉपरली एक असेसमेंट करके हाई लेवल पे एक डिसीजन लिया जाएगा। सर क्या मतलब अभी अभी भी आप मतलब एक कंफ्यूजन में है कि क्या डेट रहेगा, एक एस्टिमेट डेट जहां तक करगिल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे। डेट जो है जब तक ना दो सारे स्टेक होल्डर्स मिल के नहीं बैठेंगे, जिसमें बिया मैंने पहले भी कहा आपका विजेक है, बेकन है, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन, करगिल एडमिनिस्ट्रेशन, गांधर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बैठ के प्रॉपरली डिसीजन लिया जाएगा कि फॉर पैसेंजर्स ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। लेकिन चूंकि पहले मैंने कहा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज के लिए हो, फ्रेश के लिए हो, उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ सब मिल बैठ के अर्ली इन द मॉर्निंग मूवमेंट से चला के कुछ सामान जो है हमारे मार्केट में रमजान से पहले पहुंच जाए। मैं जो हम मशीनरी देख रहे हैं वो काफी है यहाँ पे ना आपका, पहले इन्होंने कनेक्ट करना इनका काम था वो कर लिया, क्योंकि एक आपका स्पेस चाहिए पहले, वो स्पेस इन्होंने ले लिया, तो वाइडनिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अलबत्ता जो एवलांच जोन है जहाँ पे एवलांच आना बाकी है वो थोड़ा सा डेंजर जोन है, उसके लिए थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा।